अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मरियम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और जिन लोगों ने लास्ट 2-3 वीडियो से मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अभी जी सलाला का थर्ड डे ही चल रहा है और जहाँ से कल मैंने छोड़ा था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और अभी हम एक जगह पर आए हैं, नाम मुझे किसी जगह का नहीं पता, सॉरी, बहुत मुश्किल मुश्किल नाम है। और पता भी होता उस वक्त तो अभी घर आके मुझे सारे ही भूल जाना था। और बस आप व्यू एंजॉय करेंगे। एक लंबी सी रोड है ये, पीछे देखिए कितनी लंबी, इतना मैं चलकर आ गई हूँ और आगे और भी बहुत ज़्यादा लंबी रोड है। यहाँ पर चलते चलते हमने एक जगह पर जाना है। चलिए जी आपको भी साथ लेके चलते हैं। हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी इस जगह पर, वेदर बहुत अच्छा हो गया था, सर्दी कहीं पे भी नहीं लगी लेकिन गर्मी नहीं थी इस जगह पर। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं उस जगह पर। फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं एक लंबी सी वॉक करके, और ये बहुत ख़तरनाक जगह थी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पर, आपको तो पता मैं कितनी डरपोक हूँ, हंसना नहीं है आपने इस बात पे। वाकई ये बहुत डरावनी जगह थी। ये देखिए नीचे इतनी गहराई पर, इतनी गहराई में एक जंगल है जहाँ पर जानवर परिंद खौफनाक जानवर वगैरह हैं, उन्होंने मना किया हमें नीचे जाने से। और ये बस इतनी सी जगह है, ये हम स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है, बच्चों पर मैंने ध्यान रखा। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटोशूट थोड़ा कम किया था ताकि मैं बच्चों का ध्यान रख सकूं, क्योंकि जो दीवारें थी ना वो छोटी सी थी तो बच्चों के लिए रिस्की था। ये देखिए कितनी छोटी सी दीवार, और इसके नीचे ये जो दीवारें छोटी सी लगी हुई है ना, इसके नीचे इतनी गहराई में जंगल सा था। और उसकी भी स्टेयर्स लगी हुई थी लेकिन उन्होंने मना किया हुआ था, यहाँ पर यहाँ से नीचे जाना मना है। लेकिन आपको पता है मेरे हस्बैंड नीचे गए थे, मेरी जान पे बनी हुई थी, वो एक बोर्ड लगा हुआ, उन्होंने खबरदार किया कि नीचे नहीं जाना, खौफनाक जानवर है। लेकिन मुझे बताए बगैर, तीनों दोस्त बीवियों को बताए बगैर नीचे चले गए। और इतनी देर के बाद है, मैं आपको बता नहीं सकती, हम तीनों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी डर के मारे, खुदा नास्ता कुछ हो गया तो हम घर कैसे जाएँगे। और वैसे भी डर इतना ज़्यादा लग रहा था, इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद कोई 45 मिनट्स हमने इधर वेट किया, कोई इनका अता पता नहीं था। हमने आवाज़ें भी लगाई यहाँ पर लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर हम लोग बच्चों को, तीनों हम फ्रेंड्स बच्चों को लेकर हम लोग उसी रोड से वॉक करते हुए वापस गाड़ी तक गए। और जहाँ पर गाड़ी हमने रुकी हुई थी वहाँ पर भी जाके हमने आधा घंटा इंतज़ार किया, इनका कोई अता पता नहीं था और गाड़ी की चाबियाँ भी नहीं इन्होंने हमें दी अपने। अब जी हम दूसरी जगह पर आ गए हैं और ये काफ़ी हाइट पे थी जगह और सारे क्लाउड्स नीचे आए हुए थे, इतनी ज़्यादा हाइट पर हम आए थे। और अभी मैं आपको सारा चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, अभी कर दें वरना आप लोग भूल जाते हैं। चलिए जी अब सारा व्यू एंजॉय करें आप। Thank you.
और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ये नीचे इतनी ज़्यादा गहराई है, यहाँ से इतना फील नहीं हो रहा वीडियो से, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई थी। और ये सिर्फ व्लॉगिंग के लिए मैं यहाँ पर आई थी, वरना मैंने इसके आसपास भी नहीं आना था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैंने सोचा एक पत्थर पर खड़े होकर थोड़ा सा शूट करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। व्लॉगिंग के चक्करों में मैं थोड़ी सी एडवेंचरस हो गई हूँ, मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, वरना मैं नहीं लेती। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पत्थर के ऊपर खड़े होकर इतनी रिस्क में ये काम कर रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। अभी जी हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं, सारे दिन का घूम फिर के, अब भूख से बुरा हाल हो रहा था। और ये नाम आप देख लें, इतना मुश्किल सा नाम है, खुद ही पढ़ लें आप। और ये आउटडोर भी बना हुआ था और इंडोर भी था। आउटडोर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि मेरे बच्चों ने टिकना नहीं था, और सामने रोड थी, ये देख सकते हैं अब इनकी दौड़ें शुरू हो गई थी खुली जगह पे, ये ऐसे ही करते हैं। और कैट्स इनको नज़र आ गई थी तो बस इन्होंने उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, इवन वो पीछे पिछली साइड पर चला गया था अंधेरे में। तो मैंने जवाब से कहा कि हम इनडोर ही करते हैं, इसलिए हम लोग अंदर आ गए। और ये अंदर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, और ये ओपन सीटिंग भी थी और कैबिन भी बने हुए थे। तो मैं अभी आपको रेस्टोरेंट का व्यू दिखाती हूँ सारा, मुझे नहीं पता था कैबिन भी बने हुए। हम लोग इधर, मैं बच्चों को लेकर बैठ गई इधर, हम सब ने वॉशरूम भी यूज़ करना था, तो वहाँ से फारिग होकर मैं इस टेबल पे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टेबल पे हम लोग बैठ के, जवाद लोग अभी दोस्त वो तीनों भी बाहर थे, जब वो लोग आए तो फिर एक कैबिन दूसरी साइड पर बने हुए थे, तो हम लोग वहाँ पर बैठ के डिनर किया, फिर उसके बाद घर जाके सो गए।